ओम गुरुभ्यो नमो ओम गम गणपते नमो नमते नमो राम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। औपचारिकता नहीं करता हूं, सीधा राशि फल में आता हूं, छोटा बनाना है। सूर्य का कन्या राशि में द्वादश स्थान में लाभाधिपति लॉस के घर में तुला राशि के लिए क्या परिणाम रहेगा? ये द्वादश का सूर्य इस महीना या इस समय आपको गाड़ी इत्यादि व्हीकल इत्यादि फोर व्हीलर टू व्हीलर इत्यादि का प्राप्ति का संभावना दिखा रहा है। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ का आशा कम करें। स्वास्थ्य ले दे के ठीक रहेगा, लेकिन परिवार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अशांति भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि परिवाराधिपति धनाधिपति वाण्याधिपति द्वादश में सूर्य कंबस्ट कर देंगे। इस महीना महिला और छात्र छात्री जो भी हैं उनको फीमेल मानसिक अशांति बढ़ सकता है। कई प्रकार के जो आपका दिमाग लगा रहे हो आशा इत्यादि अच्छा फलप्रद हो सकता है। शरीर मन अच्छा रहेगा, लेकिन आय अधिक होने के बावजूद खर्चा द्वादश का सूर्य बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ अनुष्ठान होने का संभावना है। नौकरी क्षेत्र में मान सम्मान तुला राशि को मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई बॉस इत्यादि से नुकसान का भय है। बॉस को संभाल के हैंडल करें, हैंडल विथ केयर टू द बॉस, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य द्वादश में कई प्रकार के यात्राओं को बढ़ा सकता है। व्यवसाय में श्रम के अनुसार फल मिल सकता है, लेकिन थकावट भी बढ़ सकता है। छात्रों के लिए ये एक उत्तम महीना रहेगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन जब तक मंगल कंबस्ट नहीं हो रहे हैं तब तक स्पोर्ट्समैन सफलता होंगे। मन को संभालने का तुला राशि वाले जरूर प्रयास करेंगे। द्वादश का घर दो दो ग्रहों का एक साथ रहना, कहीं ना कहीं तीन ग्रह कई प्रकार के खर्चा में वृद्धि और शत्रु गुप्त शत्रु का मर्दन होने का संभावना है।